मैं कमल त्रिखा, त्रिखा ऑस्ट्रो चैनल से, और आज बताने जा रहे हैं कि अगर जीवन में आपके परेशानियां आती हैं, बहुत तरह की परेशानी आती है, धन की परेशानी हो गई, व्यापार संबंधित परेशानी हो गई, घर गृहस्थी की परेशानी हो गई, और शारीरिक परेशानियां आती हैं, बीमार रहते हैं घर में, तो इन सब परेशानियों का छुटकारा पाने के लिए आपको उपाय बताने जा रहे हैं। उपाय बताने से पहले आपको बताऊं कि मनुष्यों द्वारा बताए गए वर्णित उपाय झूठे हो सकते हैं। यदि मैं आपसे उपाय कहने लगूं कि यह उपाय कर लीजिए और यह बिल्कुल सटीक उपाय है और आप इससे ठीक हो जाएंगे, आपकी दुविधाएं, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या मेरे द्वारा बताए गए उपाय वास्तव में 100% सत्य हैं। कोई भी मनुष्य होगा, यदि वह उपाय बता रहा है, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, यदि वह धरती पर जन्मा मनुष्य है और वह उपाय बता रहा है, तो उस पर संदेह उत्पन्न होना यह स्वाभाविक है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह संदेह करे, और करना भी चाहिए जब तक प्रमाणित ना हो। और प्रमाणिक जो है वाणी केवल ईश्वर की है, और ईश्वर की वाणी असत्य कभी नहीं हो सकती। तो आइए आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूं जो माँ भगवती ने स्वयं कहा है, दुर्गा सप्तशती में वर्णित द्वादश अध्याय में माँ भगवती ने इन सभी दुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताए हैं, और उस पर संदेह करना महापाप होगा। माँ भगवती की वाणी पर, माँ भगवती के कहे पर संदेह हम नहीं कर सकते। तो वह सभी उपाय आपको जो माँ भगवती ने कहे हैं, जैसे वर्णन किए हैं, वह सब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आज बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो, और यह जो द्वादश अध्याय है मोक्ष को प्रदान करने वाला, और आपकी सभी प्रकार की दुविधाओं का हल करने वाला, सभी प्रकार की दुविधाओं का निवारण करने वाला यह द्वादश अध्याय है। तो यह द्वादश अध्याय प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि जो लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन अवश्य दबा दीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और जय माता दी कमेंट अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं हिंदी में। सर्वप्रथम ध्यानम। मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधों पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों को से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारीचि
जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरे सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। महामाई कहती हैं, शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माँ जगदम्बा जगत जननी कहती हैं, मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उसका कुल आनंदित रहता है। जगत दाती जगदम्बा कहती हैं कि मेरी दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करने वाले का सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। महामाई कहती हैं कि मेरे पाठ को, मेरे दुर्गा सप्तशती के पूर्ण संपूर्ण पाठ को करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। माँ भगवती कहती है, बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति का कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता से मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर, सुनने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य को प्रदान करता है। माँ का यह पाठ, जगदम्बा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा का कवच सुनने पर, पढ़ने पर सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। मेरे दुर्प्रभाव का कीर्तन, मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में सूने मार्ग में अथवा दानव दावा नल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या क्षत्रियों से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों का पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महानगर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों के प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंग बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने से वाले
पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेषदात्त दैत्य जो थे वो पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व की मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हुई और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही हैं, समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करने से उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। देवी के इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए क्योंकि यह महात्म्य परम कल्याणकारक है। इस प्रकार से यह द्वादश अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है।